Hello viewers, welcome to the Civil Gram channel. Today we are discussing lecture 7, numerical and single reinforced beam using working stress method. आज हम लोग numerical 3 discuss करेंगे. Calculate the moment of resistance of a single reinforced beam of size 160 mm by 300 mm effective. The beam consists of AST 4 bars of 16 mm diameter. The material used for the beam is M15 grade of concrete and Fe250 steel. And modular ratio is 18, and the length of the beam is 5 meter. And also find the maximum distributed load which beam can carry safely, inclusive self weight. So numerical solve करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक diagram बनाएंगे. उसमें एक rectangular section है आपका 160 mm, जिसकी top depth है, और जो effective है उसकी depth वो है 300 mm. गिवेंस जो हमको दे रखा है कि जो M15 ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमने यूज़ करी है और Fe250 ग्रेड ऑफ स्टील यूज़ करी है. तो Fe250 ग्रेड ऑफ स्टील के लिए माइल्ड स्टील बार है ये. इसके लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सिग्मा एस टी की वैल्यू होगी वो 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर होगी. और M15 ग्रेड के लिए हमने परमिसिबल स्ट्रेसेस पढ़ी थी बेंडिंग कंप्रेशन में पिछले लेक्चर्स में, जो टेबल गिवन थी डिफरेंट ग्रेड्स के लिए. उसमें M15 ग्रेड के लिए जो वैल्यू थी वो सिग्मा सीबीसी की 5 न्यूटन पर एम स्क्वायर है. मॉडुलर रेशियो हमको गिवन है एम इक्वल टू 18. एएसटी हमको गिवन है 4 बार्स ऑफ 16 mm, तो नंबर ऑफ बार्स इनटू एरिया ऑफ 1 बार 4 इंटू पाई बाई 4 इंटू 16 स्क्वायर इक्वल टू 804 mm स्क्वायर. सबसे पहले हम लोग सेक्शन चेक करेंगे कि ये किस तरीके का सेक्शन है, बैलेंस है, अंडर इनफोर्स है या ओवर इनफोर्स सेक्शन है. तो सबसे पहले हम लोग क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस फाइंड करेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है एम सिग्मा सी बी सी अपॉन सिग्मा एस टी इक्वल टू एन सी अपॉन डी माइनस एन सी. एम की वैल्यू मॉडुलर रेशियो की 18 है, सिग्मा सी बी सी की वैल्यू 5 है, सिग्मा एस टी की वैल्यू 140 है, और एन सी हमको फाइंड करना है, और डी जो है वो हमारी इफेक्टिव डेप्थ है और जो कि 300 mm है. उसको यहाँ जब पुट करेंगे, जब हम इसको मैथमेटिकल इक्वेशंस इसको सॉल्व करेंगे, तो एन सी की वैल्यू जो कैलकुलेट होकर आएगी वो 117.4 mm आएगी. इसके बाद हम लोग एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस एन कैलकुलेट करेंगे. तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो बी एन स्क्वायर बाई टू इक्वल टू एम ए एस टी डी माइनस एन होता है. यहाँ पर बी आपका टॉप विड्थ है 160, एन हमको फाइंड करना है 2 अपॉन में 2 फॉर्मूले में है. एम जो है मॉडुलर रेशियो 18, ए एस टी हमने कैलकुलेट किया था 804, डी जो है 300 mm है, एन हमको कैलकुलेट करना है. जब हम इसको मैथमेटिकल कंप्यूटेशन करेंगे उसके बाद हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी जो है एन स्क्वायर प्लस 181 एन माइनस 54287 इक्वल टू 0. इसको आप श्रीधराचार्य इस फॉर्मूले से सॉल्व करें या फिर आप कैलकुलेटर में इसको वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे तो आपको वहाँ से वैल्यू मिलेगी एन इक्वल टू 159.5 mm. अब हमारे पास क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस की भी वैल्यू है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस की भी वैल्यू है. हम इन दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे और पता करेंगे कि ये सेक्शन कौन सा है. तो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस की जो वैल्यू है वो 117.4 है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस की जो वैल्यू है 159.5 mm है. यहाँ से हमको पता चल रहा है कि जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस. तो ये आपका जो सेक्शन होगा ये आपका ओवर रीइंफोर्स सेक्शन होगा. जब ये ओवर रीइंफोर्स सेक्शन होगा तो जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा वो आपका कंक्रीट गवर्न करेगा, और एम आर जो होगा हम कैलकुलेट करेंगे वो करेंगे सी इंटू ए से. जो कंप्रेशन फोर्स है वो आपका हाफ सिग्मा सी बी सी इंटू बी इंटू एन होगा, और लीवर आर्म आपका डी माइनस एन बाई 3 होगा. आप सिग्मा सी बी सी की वैल्यू पुट कर दीजिए, बी की पुट कर दीजिए, एन की वैल्यू पुट कर दीजिए, डी आपको पता है, एन पता है. आप सारी वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में पुट करिए. हाफ सिग्मा सी बी सी 140 है, बी 160 है, एन 159.5 है, डी 300 mm है, एंड एन 159.5 mm है. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आएगा सेक्शन का वो 15.75 किलो न्यूटन मीटर आएगा. इस क्वेश्चन में हमको मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूटेड लोड फाइंड करना है जो ये सेक्शन सेफली कैरी कर सकता है. तो हम लोग अपने मैकेनिक्स में सोम में पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अगर एक सिंपली सपोर्टेड बीम होती है उसके ऊपर UDL होता है पर मीटर रन पर, तो उसका जो मैक्सिमम मोमेंट होता है वो WL² बाई 8 होता है.
तो यहाँ से हम उस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास जो मैक्सिमम मोमेंट है वो हम लोगों ने अभी कैलकुलेट करा था अपने इस क्वेश्चन में, जिसकी वैल्यू थी 15.75। इसको आप यहाँ पुट करिए, आपको मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूटेड लोड फाइंड करना है, यानी कि स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। स्पैन ऑफ द बीम आपको गिवन है क्वेश्चन में, 5 मीटर है, 8 आपका अपॉन में है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो डब्ल्यू इक्वल टू 15.75 इंटू 8 अपॉन 55 स्क्वायर इक्वल टू आएगा आपका 5.04 किलो न्यूटन पर मीटर। यही आपका मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है जो आपका सेक्शन सेफली कैरी करता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी राइट इन द कमेंट सेक्शन। इफ़ यू लाइक द लेक्चर प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।